अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं दीनी वजीफ़ा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो हम बिस्तरी के मुतालिक है, जैसे का आजकल की नई जनरेशन बीवी फिल्में देखती हैं और वो फिल्में देखने के बाद वही चीज़ वो अपनी बीवी के साथ करते हैं, फिर अपनी बीवी को भी दिखाते हैं, तो उसके मुतालिक आज हम ये वीडियो लेकर आए हों। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि हर मुसलमान को पता चले कि इनके नुकसान क्या है। तो मेरे भाइयों, अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को शेयर करें और शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। हमारा और आपका मुशाहदा है कि आज कल लोग सेक्स की मालूमात के लिए ब्लू फिल्में बीफी फिल्में देखते हैं, अपनी बीवी को ख़ास तौर पर ब्लू फिल्में दिखाते हैं ताकि औरत भी जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है इसी तरह उनसे पेश आए और ये खुद हर वह काम और तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं है जो फिल्म में होता है, चाहे उसमें कितना ही तकलीफ व परेशानी क्यों ना हो। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम फिल्माया जाना अलग बात है, उसको हकीकत में कर लेना और बात है। ब्लू फिल्में तो सरासर आंखों की अय्याशी और धोखे के सिवा कुछ नहीं। आज तकरीबन हर मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम में ये सब हराम व गुनाह है, लेकिन परवाह किसे है। फिल्में देखकर उसकी बातों को सीखकर अमल करना ऐसा ही है जैसे किसी फिल्म में हीरो को मोटरसाइकिल इस तरह चलाते हुए दिखाया जाए कि हीरो सड़कों से होते हुए मोटरसाइकिल उछाल उछाल कर लोगों की बिल्डिंगों और मकानों की छत पर चला रहा है, कभी इस बिल्डिंग पर तो कभी उस बिल्डिंग पर। उसी मंजर स्कैन को किसी बेवकूफ़ ने देखा और उसी तरह करने के लिए उसने मोटरसाइकिल अपने घर की छत पर खड़े कर शुरू की और कुल्ची दबाकर गियर बदला, एक्सेलरेटर क्लच के साथ छोड़ दिया। ऐसे बेवकूफ शख्स को जो हाल होगा वही हाल उस शख्स का होता है जो ब्लू फिल्में देखता है और उस पर अमल करता है। ऐसा शख्स गैरत और मर्दानगी की ऊंची छत से बेहयाई और नामर्दगी के ऐसे गड्ढे में गिरता है जिससे निकलना ज़िंदगी भर मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये वैसे भी हराम है और ये चीज़ गलत है। तो मेरे भाइयों, आप इन चीज़ों को देखकर अपनी बीवी के साथ हरगिज़ ऐसा ना करें, इससे बहुत नुकसान हैं और औलादे भी अंधी बेरी ढोंगी लंगड़ी पैदा होती है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।